मौका मिलेगा. अच्छा, लेट हिम आस्क, आई विल कम टू यू. जी राहुल, अपना अपना लास्ट एक्सपीरियंस. अभी तो आपके स्टाफ लेते होंगे डिलीवरी, लेकिन जब आपका कुछ लास्ट एक्सपीरियंस रहा होगा, आपका इंटरेक्शन हुआ हो, आप लास्ट इंटरेक्शन के बारे में आप भी बताइए. मेरा सर, मैं ना बड़ा मैं ज्यादा ऐप फ्रेंडली हूँ नहीं, मेरे फोन में ज्यादा एप्स हैं नहीं. तो मेरी वाइफ है, मैं वैसे घर का ही खाना खाता हूँ, शादी के बाद कभी गया नहीं बाहर. तो थोड़ा हेल्थ कॉन्शियस कर दिया मेरी वाइफ ने मुझे, तो मैं बहुत कम खाना खाता हूँ बाहर का. कभी कभार मन होता है तो मंगवाते, मेरी वाइफ के पास ही ऐप है. पर हाँ, एक किस्सा था, मैंने मैम को भी बताया था. हमारे घर में एक स्टाफ, हमारे अर्जुन भैया हैं, उनका बर्थडे था, तो केक मंगवाया मेरी वाइफ ने. तो वो जो केक लेके आया बंदा, वो शायद पलट गया. होता ना कभी कि उसका जो साइड थी पलट गई, तो सारी क्रीम व्रीम जो डब्बे पर लग गई. तो मेरी वाइफ आई, बोलती वो वापस जा रहा है केक लाने, उसका केक पलट गया. मैंने कहा उसको रोक रोक. तो शायद वो अभी लिफ्ट की वेट ही कर रहा था, लिफ्ट आई नहीं थी. तो मैं गया, मैं कहा भैया हमने वैसे भी काट के खाना यार, दे दो. शायद मैं इतना पहले ना सोचता, मुझे शायद ये लगता है कि ये रूटीन प्रोसेस होता है, अगर पलट गया केक तो शायद लाते होंगे. लेकिन जब ये फिल्म करी तब मुझे पता चला कि नहीं यार, ये बंदा शायद जिस कंपनी से लेके आया वो प्रोडक्ट, वो भी इसको डांटेंगे, शायद जेब से देने पड़े इसको, और हमने तो वैसे ही खाना था. तो यही मेरा एक किस्सा है. पर शायद ये फिल्म नहीं करता तो शायद मैं इतना सेंसिटिव नहीं होता, मुझे पता नहीं चलता कि ऐसा भी होता है. So that's all we have for you. I know we are just running out of time, so we have to wrap this up. के लिए जोरदार तालियां हो जाए एक बार. 17th March is when we'll go and watch this movie, and we'll have a quick photo op, and then we'll wrap this up. Please make sure that you spread the word. अच्छा, वो बोल रहे थे आप लोग. हाँ.